हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी या जीव विज्ञान के बारे में। तो हम लोग 10 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर कौन सा किया था ख़त्म? पारिस्थितिकी। अब बात करते हैं हम लोग प्रदूषण के बारे में। ठीक है, आपको फिर से बता देता हूँ कि ये सभी लेक्चर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, प्ले सूची में जनरल साइंस के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसी में सभी डले रहेंगे। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, अर्थात हमारे चारों तरफ का वातावरण। इस वातावरण में सभी अवयवों में एक खास संतुलन होता है। पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत 1948 में द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की स्थापना द्वारा की गई थी। इसके बाद सम्मेलन पेरिस 1968 में, मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 में, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 1992 में, विश्व जलवायु सम्मेलन क्योटो 1997 में, बाली सम्मेलन 2007 में, स्टॉकहोम सम्मेलन 2009 में, सभी दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में पर्यावरण संरक्षण पर बहस हुई तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेक प्रावधान किए गए। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुए प्रथम मानव सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया है। याद रखिए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और मसलों पर भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विशेष ध्यान देते हुए 1972 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय पर्यावरण आयोजना एवं समन्वय समिति का गठन किया। संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो जन साधारण के प्रति जागरूकता लाने के लिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 48A, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51A(6) में प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 48A राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षा तथा उनमें सुधार करने का और वन तथा अन्य जीवों वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करें, और मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51A(6) में प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ठीक है, आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण का विश्वसनीय संकेतक कौन सा है? लाइकेंस तथा मॉस। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा होता है? पीबी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से सहयोग करती है। मुख्य वायु प्रदूषक कौन सा है? सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बात करते हैं, मुंबई कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक कौन सा है? सीओ एवं SO2। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं होता? कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह गैसें कौन सी हैं? CFC, CO2, CH4, NO2। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है स्वचालित वाहन। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयुक्त कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? मेथाइल आइसोसाइनेट। तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होती है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड से। आगे बात करते हैं, हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के
घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? सीता, अशोक। कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कागज। पराध्वनिक जेट किस प्रकार प्रदूषण फैलाता है? O3 परत को क्षति पहुंचाकर। किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? सीसा। कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? कैडमियम। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोहे सक्कीतम्यता रोग होने का क्या कारण है? सिलिका। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः कैसे होता है? जीवों के श्वसन से। जीवों के श्वसन से। आगे बात करते हैं, ताजमहल को क्षति किस कारण पहुंच रही है? मथुरा तेल शोधन शाला से निकले वायु प्रदूषण से। मनुष्य की कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में मृत्यु क्यों हो जाती है? यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ सहयोग करके रक्त को ऑक्सीजन अवशोषित करने के अयोग्य बना देता है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर का क्या कारण है? पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को कम कर देता है। मिनामाता महामारी, जिसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे, पानी में किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? पारद। जल प्रदूषण को मापने हेतु कौन सी जांच की जाती है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। DDT क्या होती है? अजीब अपघटनीय प्रदूषक। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से क्या व्याप्त होता है? से क्या होता है? त्वचा कैंसर। ठीक है, आगे बात करते हैं, वन्य जीवों के संरक्षण हेतु परियोजनाएं जो चली हैं उन्हें देख लेते हैं। वाघ परियोजना एक कई बार पूछी जा चुकी है तो इसे याद रखना। 1 अप्रैल 1973 को वाघ परियोजना की शुरुआत की, टाइगर प्रोजेक्ट। इस समय देश में 25 अभयारण्यों में यह परियोजना चल रही है। फिर लाल पंडा परियोजना, हिमालय क्षेत्र में संरक्षण करने की परियोजना की शुरुआत 1996 में की गई थी। मणिपुर थामिन परियोजना, 1977 में मणिपुर थामिन परियोजना शुरू की गई थी। गिर सिंह अभयारण्य योजना 1972 में गुजरात सरकार ने इसके संरक्षण सुरक्षा एवं सुधार के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से यह परियोजना शुरू की थी। फिर है हिमालय कस्तूरी परियोजना, भारत सरकार के सहयोग से यह संरक्षण परियोजना उत्तर प्रदेश के केदारनाथ अभयारण्य में आरंभ की गई थी। हाथी परियोजना, यह परियोजना झारखंड के सिंहभूमि जिले में 7 दिसंबर 1992 को शुरू की गई थी। ठीक है, फिर है मगर प्रजनन परियोजना, कौन सी है? मगर प्रजनन परियोजना भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सहायता से 1975 में उड़ीसा में मगर प्रजनन तथा प्रबंधन की परियोजना की आरंभ की थी। फिर है प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में शुरू किया गया। एक्शन टाइगर्स परियोजना, 12 देशों के माध्यम से बाघों के संरक्षण हेतु सरिस्का अभयारण्य में 2005 से शुरू की गई। गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट, बॉम्बे हेस्ट्री नेचुरल सोसाइटी ने गिद्धों के संरक्षण हेतु 2006 में शुरू की थी। फिर है हंगुल परियोजना, IUCN की रेड डाटा बुक में प्रविष्टि पा चुका हिरन के संरक्षण हेतु 1970 में शुरू की गई। कछुआ संरक्षण परियोजना, कछुआ का संरक्षण व इसकी तस्करी रोकने के लिए 1975 में उड़ीसा के भीतर कनिका अभयारण्य से इस परियोजना को चालू किया गया था। आगे बात करते हैं, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु प्राप्य हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, नदियों में जल प्रदूषण की माप किस प्रकार की जाती है? O2 की ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? CO2। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है,
जो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया जाता है, पार्थेनियम। प्रदूषकों के रूप में फोनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है, बहुलक अधिशोषक का। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है, तो है कैडमियम। ठीक है, आगे बात करते हैं। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मरने वाला रोग कौन सा है, वातस्फीति। वातस्फीति ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं है, सौर। कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारक है, जेट विमान। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं, परजैविक। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन। कौन सा अपतरण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध होगा, जल संबुल। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है, आर्सेनिक। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया वह कहाँ स्थित है, अंटार्कटिका के ऊपर। कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड और मैथेन। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसे अवशोषित करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को। ओजोन रिक्त कारक कौन कौन से हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलांस तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है देहरादून। किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठे करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया, भारत में। नाइट्रोजन हरित गृह गैस है अथवा नहीं, नहीं। तांबा जल प्रदूषक है अथवा नहीं, नहीं। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी, जोसेफ फोरियर ने। कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, CO2। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है 5 जून को। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण में कि किसकी घुली हुई मात्रा मापी जाती है, ऑक्सीजन की। प्रदूषक के कुछ विश्वसनीय सूचक होते हैं, लाइकेन तथा मॉस। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई कौन सी है, डॉप्सन। पराध्वनिक जेट किसकी परत को पतला करके प्रदूषक उत्पन्न करता है, O3 ओजोन। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, एटाई से। याद रखिए ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, एटाई रोग से। किस कारण से जल का भारी धातु प्रदूषण होता है, अम्ल संयंत्र। लाइकेंस किसके प्रदूषक का अच्छा सूचक है, वायु प्रदूषक के। ठीक है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे संबंध विरुद्ध था, तो वन कटाई से। इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण उत्पाद को। ठीक है, तो चलिए हमने बात कर लिया है प्रदूषक को देख लिया। ठीक है, 11 चैप्टर है प्रदूषण। अब हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, 12वां चैप्टर जंतु विज्ञान की शाखाओं के बारे में।
ठीक है, 12वां लेक्चर देखेंगे हम अब आगे।